फ्रेंड्स, न्यू मूवी फिर से एक बार और स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट दीपक। चलिए आज का रिव्यू शुरू करते हैं। ये और एक मूवी है और इसका नाम है वी, और ये एक साउथ मूवी इंडस्ट्री है मगर हिंदी में अवेलेबल है जी प्राइम पे। और इसका आईएमडीबी रेटिंग कितना है 6.9, और इसको कौन डायरेक्ट किए हैं, मोहन कृष्णा आई। और ये इसका रिलीजिंग डेट क्या है, 5 सितंबर 2020। और इसका रनिंग टाइम कितना है, 2 घंटे 20 मिनट। और किस पे अवेलेबल है ये, आपको Amazon Prime पे। और मैं सच में बता देता हूँ, ये राधे से बहुत मस्त मूवी है। आप राधे मत देखिए, उसके बदले ये देख लिए, जो देख लिया वो बहुत अच्छा। जो लोग नहीं देखा जाके आप Amazon Prime पे देख ले। कंट्री ऑफ ओरिजिन डेफिनेटली इंडिया। साउंड क्वालिटी कौन है, डिजिटल डॉल्बी। और आपको कौन से लैंग्वेज में, ओरिजिनल आपको तेलुगु में रिलीज हुआ है मगर आपको Amazon Prime पे आपको हिंदी डब विद इंग्लिश सबटाइटल में भी मिल जाएगा। और इसका जेनर क्या है, क्राइम एंड ड्रामा। और मैं इसका चलिए फटाफट आप लोग को क्या बता देता हूँ, इसका पेरेंट गाइडलाइन में ये है कि आपको इंटेंस एंड वायलेंस फाइटिंग कूट कूट के है, आपको न्यूडियलिटी एंड सेक्स थोड़ा सा है, स्मोकिंग ड्रग्स अल्कोहल थोड़ा सा है। तो मेरा लिए देखिए पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप ये मूवी देखिए मगर बच्चों से बच के देखिए। चलिए मैं फटाफट आप लोग को क्या बता देता हूँ, आपको बता देता है कि इसमें टॉप कास्ट कौन कौन, जो हमारे पहले टॉप कास्ट उनका नाम है नारी अजय विष्णु, जो कि ये एक विलेन का रोल किए हैं। जो दूसरे हमारे टॉप कास्ट है उनका नाम है सुधीर बाबू अजय डीसीपी आदित्य, जो हमारे मेन लीडिंग एक्टर है। जो हमारे तीसरे टॉप कास्ट है उनके नाम है निवेद थॉमस अजय अपूर्वा, जो हमारे ये एक्ट्रेस है वो ये तीसरी टॉप कास्ट है। तो ये रहे हमारे टॉप कास्ट फ्रेंड्स। चलिए मैं फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको ये मूवी क्यों देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए। मैंने बहुत कैटेगराइज किया कि ये मूवी क्यों देखना चाहिए। तो जो पहला पॉइंट है क्यों देखना चाहिए, तो सुपर थ्रिलिंग है, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय ईच एंड एवरीवन, आपको सस्पेंस कूट कूट के मिलेगा, आपको बोरिंग कहीं भी नहीं लगेगा। एक्टिंग भाई इतना मस्त है, इसमें विलेन आपका सर चकरा देगा, हीरो भी सर चकरा देगा, और क्लाइमेक्स जब आपको खुलेगा तो बोलिएगा भाई हो भाई ये मूवी ऐसा था, राधे क्यों नहीं ऐसा बनाया। तो ये रहे मेरा रीजन कि ये मूवी क्यों देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए। तो रीजन थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। पहला क्यों नहीं देखना चाहिए उसका रीजन है कि ये मूवी जो बनाया है ना, मतलब कि आपको पुराने मतलब स्क्रिप्ट पे है रिवेंज लेने पे। तो रिवेंज का तो बहुत सारा मूवी हम लोग देख चुके हैं, यदि आपको ये पसंद नहीं है रिवेंज बेस्ड पिक्चर तो प्लीज मत देखिएगा। जो दूसरा मेरा पॉइंट है क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आपको मतलब ये वायलेंस है ना, इसमें इतना काट पीट है ना, तो यदि आपको वो सब पसंद नहीं है खून खराबा तो आप बिल्कुल मत देखिए। और तीसरा जो पॉइंट है क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये मूवी बहुत लंबा कर दिया, 2 घंटा 20 मिनट बदला लेने वाला मूवी में, मतलब बदला लेने के स्टोरी बेस पे है, तो ये मूवी थोड़ा लंबा कर दिया, गाना भी उतना नहीं है। आप इसको 2 घंटे में भी खत्म कर सकते थे, 2 घंटे 2 घंटे 5 मिनट में, तो बहुत अच्छा रहता है। ये था मेरा रीजन क्यों देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए। अब फ्रेंड्स मैं चलिए फटाफट आप लोग को स्टोरी लाइन बताता हूँ। स्टोरी लाइन बताने से पहले मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और जो लोग नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को आप देखिए, मेरा कंटेंट देखिए। यदि पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे को टिंग करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, डिसलाइक करिए, लेकिन कुछ ना कुछ करिए। अब चलिए हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, स्टोरी लाइन में। स्टोरी लाइन इसका बहुत जबरदस्त है, आपका सर चकरा जाएगा। जब मूवी शुरू होता है तो इसमें होता क्या, जो हमारे एसीपी हैं उनको एक कॉल आता है, और कौन करता है, नारी खान, जो हमारे विलेन बने रहते हैं, और वो एक सीरियल किलर रहते हैं और क्या करते हैं, खून पे खून, खून पे खून। और जैसा मूवी का नाम है वी, तो वी मतलब वी होता है 5, तो वो 5 इसका मतलब नहीं है, वी फॉर विष्णु, क्योंकि इसमें जो नारी का नाम है, जो विलेन का नाम है उसका विष्णु है, तो इस पे ही उसका नाम है वी, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें फोन जाता है एसीपी को, जो हमारे सुधीर बाबू हैं, कि मैं ऐसे मर्डर करने वाला हूं, तुमको बचाना है तो बचा लो। और क्लू भी छोड़ते जाता है कौन, नारी, जो हमारे विष्णु हैं, जो हमारे गुंडे बने हैं। तो उसके बाद एसीपी बहुत ट्राई करता है ट्रैक करने को, किसको को, विष्णु को, नारी को, कि कौन मर्डर कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन मगर कोई भी सफलता हाथ नहीं लगता, किसको, सुधीर बाबू को। और वो बेचारे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उसी में एक दिन इनका कहां मुलाकात होता है, हीरोइन से, जो हमारी थॉमस जी हैं,
और वो क्या चाहती है, थॉमा जी एक बुक लिखना, राइटिंग करती है, और किसके ऊपर लिखना चाहती है, हमारे हीरो जो सुधीर बाबू है, एसीपी है, उनके ऊपर। तो वो लोग मिलते हैं, फिर दोनों क्लोज आते हैं, फिर दोनों केस सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। ये किताब भी लिखना चाहती हैं और इनका मतलब एसीपी को हेल्प भी करती हैं, एज ए दोनों के बीच में रिलेशन हो जाता है। तो भाई चलो भाई हो गया, तो भाई दोनों अपना हेल्प करते, उसके बाद धीरे धीरे क्लू मिलता है, और उसके बाद पता चलता है एसीपी को, जब इसका क्लाइमेक्स खुलता है कि जो विष्णु है ये क्यों मर्डर कर रहा है, और 5 से 4 मर्डर क्यों किया है, क्या रीजन है, वो जब आपका सस्पेंस खुलेगा तो भाई लगेगा कि सर चकरा दिया, ऐसा क्यों हुआ। और मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, फिर भी मूवी में है, कुछ भी कर देता है, मगर आप कभी भी बोर नहीं होगा। तो ले दे के मूवी रिवेंज बेस्ड है, और इसमें आपको हीरो और विलेन के बीच में बहुत टकरार होता है, बहुत सस्पेंस है, और आपको आंख ऐसे नहीं हटेगा, आप देख के तुरंत 2 घंटे 20 मिनट कैसे खत्म कर दीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। डेफिनेटली ये अच्छा मूवी है, आपको पसंद आएगा, मेरे को भी पसंद आया है, और आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू टाटा, बाय बाय, एंजॉय।